हेलो एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार आपके अपने चैनल जीके देखो बाय डीके में आप सभी का स्वागत है। इससे पहली वीडियो मैंने आपको सिखाया था कि प्रमोटेड स्टूडेंट की जीपी, ईपी और एफपी कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको कि आप इम्पोर्टेड स्टूडेंट की, यानी जिस बच्चे को हमने अपने स्कूल में किसी दूसरे विद्यालय से पेन नंबर के द्वारा इंपोर्ट किया है, ठीक है, उसकी जीपी और एफपी और ईपी पूरे करने में हमें थोड़ा सा अलग से ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ेगा और कहाँ ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ आपको सावधान रहना है, इस पर बात में इस वीडियो में करने जा रहा हूँ आपसे। तो चलिए चलते मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, यहाँ गूगल को ढूंढ लेते हैं, गूगल मिल गया है। यहाँ गूगल पे यहाँ टाइप करेंगे यूडाइस प्लस, अरे हमने कर दिया है, और यहाँ सेलेक्ट कर लिया हमने ये, और यहाँ क्लिक करेंगे स्टूडेंट मॉड्यूल पर। यहाँ आप कर लेंगे अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट रहा होगा, और यहाँ गो पे क्लिक करेंगे। ऐसे यहाँ क्लिक करके ये आ जाएगा, यहाँ डाल लेंगे यूजर आई डी में अपने स्कूल का डाइस कोड, एंटर पासवर्ड जो आपके याद होगा, ठीक है। अगर याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है प्रधानाध्यापक का उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ डाल लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ, डाइस कोड कैप्चा और पासवर्ड, और यहाँ लॉगिन कर देते हैं। यहाँ लॉगिन करने के बाद देखो यहाँ आ गया आपका, इसको नीली पट्टी है, ब्राउन पट्टी है, यहाँ क्लिक करेंगे 2024-25 पर। इस पेज को यहाँ क्लोज करके हटा देंगे, और देखो यहाँ जो है कक्षा 6 की बात कर रहे हैं हम, देखो यहाँ लिखा हुआ कक्षा 6 क्लास ग्रेड 6, क्योंकि जूनियर विद्यालय में बच्चा जो हमारे प्राथमिक विद्यालय से आता है वो बच्चा 5वीं पास करके हमारे यहाँ 6 में इंपोर्ट किया जाता है। तो इंपोर्ट किए हुए बच्चे की जीपी, ईपी और एफपी पूरा करने के लिए विशेष ध्यान देना होगा। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ 6 क्लास के सामने जो है ये जो लिखा हुआ है यहाँ व्यू और मैनेज पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक कर देते हैं, यहाँ क्लिक करने के बाद खुल जाएगा, ये सारे बच्चों की मैंने पूरी कर दी है, ठीक है, सब बच्चों कंप्लीट कर दें। यहाँ क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, यहाँ भी पूरी हो रखी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ मैंने एक बच्चे की छोड़ी हुई है, ठीक है, ताकि मैं आपको सिखा दूँ कि इम्पोर्टेड स्टूडेंट की जीपी, ईपी और एफपी पूरा करने में हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम ईपी जीपी पे क्लिक कर देते हैं। जीपी पे क्लिक करने के बाद आपको देख लेना है जो बच्चा हमने इम्पोर्ट किया है, सोनाक्षी को हमने इम्पोर्ट किया अपने विद्यालय में, तो देख लीजिए उसकी डेट ऑफ बर्थ कहीं गड़बड़ तो नहीं है। जो आपके पास टी सी आई है उसमें देख लीजिए जो डेट ऑफ बर्थ टी सी में लिखी हुई है वो आपको इस पोर्टल पर लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है। अगर दोनों सही हैं तो ठीक है, यदि आपके टीसी में अलग है यहाँ कुछ और भरी हुई है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, आपके पास चेंज करने का ऑप्शन है जीपी में। अगर आपने जीपी को एक बार अपडेट कर दिया फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ना पिता का नाम, ना माता का नाम, ना जेंडर, ना डेट ऑफ बर्थ, ना आधार नंबर, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आज यहाँ और देख लेते हैं यहाँ कुछ चेंज करना है नहीं। तो दोनों बच्चों के माता पिता का नाम भी सही है, पिता का नाम भी सही है, माता का नाम भी सही है, जेंडर भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर लिया हमने। तो हम सीधा नीचे जाएंगे यहाँ और सेव पे क्लिक कर देंगे, और देखो आसानी से हो गया जनरल डेटा अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम अगली बात पर पहुँच जाएंगे, इसे कहते हैं एनरोलमेंट प्रोफाइल। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान यहाँ देना है एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, ये जो यहाँ लिखा हुआ ना ये 729 ये पहले वाले स्कूल का प्रवेशांक है, एडमिशन नंबर है, बस आपको यही ध्यान देना है, ठीक है। कुछ हमारे हेड टीचर जो है किसी दूसरे कंप्यूटर वाले पे काम करा देते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि इसे चेंज करना होता है, बस आपको यही ध्यान देना है कि ये जो आपके यहाँ एडमिशन नंबर लिखा हुआ है ये पहले वाले स्कूल का है जहाँ से बच्चा 5वीं पास कर आया है या कोई सी भी क्लास पास करके आया है,
यहाँ इम्पोर्टेड स्टूडेंट का पहले वाले स्कूल का प्रवेशांक लिखा मिलेगा आपको। अब आपको यहाँ जो है देखो यहाँ लिखा हुआ है एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, यानी वर्तमान के स्कूल का यहाँ आपको एडमिशन नंबर लिखना होगा, यानी आपको ये चेंज करना होगा। तो यहाँ क्लिक करेंगे इसको चेंज कर देंगे। इस बच्चे का इस हमारे वाले विद्यालय का प्रवेशांक है 331, सॉरी 31 है, हमने कर दिया 31। अब इसमें आपको कौन सी चीज़ चेंज करनी है, देखो यहाँ लैंग्वेज ग्रुप स्टडी बाय द स्टूडेंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। आपको यहाँ सब चीज़ पहले से भरी मिलेगी, आपको यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है वाली है, ठीक है। यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे और ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ जाइए, जो बच्चे का आपने फैसिलिटी दे रखी है, देखो यहाँ फ्री टेक्स्ट बुक है, फ्री यूनिफॉर्म है, अदर में आपका जूता बैग आ गया, ये सब क्लियर है, यहाँ पहले से टिक हो रखा है। डज द स्टूडेंट अपीयर इन स्टेट लेवल कंपटीशन, नेशनल लेवल और कंपटीशन, इस पर अगर यस है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए, ठीक है। फिर नीचे आ जाइए, यहाँ ये दो कॉलम आपको जरूर भरने पड़ेंगे, एक तो यहाँ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट रेजिडेंस टू स्कूल, यानी बच्चा जो स्कूल आ रहा है उसके घर की और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और ये खुलकर आ जाएगी, हम लेस देन 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन हमारे सामने क्या है, कंप्लीट हाई एस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ मदर फादर एंड लीगल गार्डियंस, यानी जो बच्चे का माता है पिता है या फिर लीगल गार्डियंस है उसकी स्कूल की शैक्षिक स्तर कैसा है, वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और ये खुलकर देखो आ जाएंगे। इनमें से जो भी आपको बच्चे के माता पिता में से कोई भी एक जिसकी अधिकतम एजुकेशन है, यदि मम्मी पढ़ी हुई है 8वीं और पिताजी पढ़े हुए हैं हाई स्कूल, तो आप हाई स्कूल भरोगे, यानी माता और पिता में से जिसकी अधिकतम शैक्षिक योग्यता है आप उसको चुनोगे, ठीक है। तो पिताजी अगर किसी के इंटर हैं, बीए हैं, एमए हैं, तो आप 5वें पे निशान लगाएंगे, अगर स्कूल नहीं गए तो 6ठे पे निशान लगाएंगे। अब हमने देखा बच्चे का जो माता पिता है वो हाई स्कूल पढ़ा लिखा है, तो सेकेंडरी एंड इक्विवेलेंट यहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। और देखो ये हो गया है, फैसिलिटी डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर ये सब हमारे सामने खुला देखो आ जाएगा, इसको ऊपर ऐसे करेंगे, चाहे तो इसका पीडीएफ में देखो यहाँ लिखा हुआ है बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड जा सकते हैं, या फिर पीडीएफ में पूरे फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नीचे जाएंगे आप सबसे नीचे और यहाँ मिलेगा आपको कंप्लीट डाटा, इस पर जरूर क्लिक करना है, तभी जाकर आपका कंप्लीट डाटा होगा। यहाँ क्लिक करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डेटा, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ लास्ट बच्चा था तो इसलिए जाना पड़ेगा हमें ओके पर, या बैक टू स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस बच्चे का पूरा डाटा कंप्लीट हो गया है, आप देख लीजिए, डैशबोर्ड पे जाएंगे, स्कूल डैशबोर्ड पर यहाँ क्लिक कर देंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ देख लीजिए व्यू और मैनेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ सभी बच्चों का डाटा कंप्लीट हो गया है, ये देख लीजिए सब ग्रीन ग्रीन हो गया है, सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, कंप्लीटेड कंप्लीटेड सब कंप्लीट है। नेक्स्ट करेंगे वो आपके सामने दिखाई दे जाएंगे, सबका डाटा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेड बच्चे का जब भी आप जीपी ईपी और एफपी पूरा करें तो केवल उसके एडमिशन नंबर पर आपको ध्यान देना है, जो वहाँ एडमिशन नंबर लिखा हुआ है ईपी में एनरोलमेंट प्रोफाइल में वो पहले वाले स्कूल का है, उसको आपको वहाँ अपने वाले स्कूल का लिखना है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, अन्यथा आप एक बहुत बड़ी गलती कर दोगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।